एक बार स्टेज पे एक मोटिवेटर खड़ा हो जाता है और बाकी सारे लोग जो वहाँ पे परेशान होते हैं, अपने आप को बहुत कम समझते हैं, सोचते हैं कि बस कुछ नहीं है, इसीलिए मोटिवेशन की क्लास लेने आए हुए हैं, वो उसे देख सुनने आ जाते हैं। मोटिवेटर क्या करता है, सबसे पहले अपने जेब से $100 निकालता है। उस डॉलर को दिखाते हुए ये कहता है, चमचमाते हुए नोट को, इस नोट को कौन लेगा। सारे दोस्त होते हैं, सारे लोग होते हैं, सब हाथ उठाते हैं, हम ले लेंगे। उसके बाद वो क्या करता है, वो मोटिवेटर उस नोट को पकड़ता है, ऐसे रगड़ देता है, थोड़ा सा मसल देता है, मसल के फिर खोल के कहता है, अब इसको कौन लेगा। जाहिर सी बात है, हर इंसान उस जो ऑडिटोरियम मौजूद थे, सबने हाथ खड़ा किया कि हम लेंगे इसको, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। मोटिवेटर कहता है, अच्छा अभी भी, तो वो क्या करता है, उस नोट को नीचे गिरा देता है, अब उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और अपने जूते से उसको गंदा कर देता है, मैला कर देता है, मैला करके ऊपर दिखाता है, कहता है, अब इस नोट को कौन लेगा। अभी भी दोस्तों सारे लोगों का रिस्पांस ऑडिटोरियम में वही था, हर इंसान उस नोट को लेने के लिए तैयार। दोस्तों समझना ये है कि जैसे कुछ गंदगी आए, जैसे कुछ चीजें आए या फिर आपके साथ कुछ हो, तो उस नोट की कीमत तो खराब नहीं होती। अगर वो $100 का था तब भी वो $100 का ही रहता। दोस्तों ठीक उसी तरह अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आप एक बार विफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये कता नहीं सोचना चाहिए कि तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुमसे हो पाए। याद रखिए, आपकी कैपेबिलिटी हमेशा निरंतर उतनी है, आप और मेहनत करके और कामयाब हो सकते हैं, और परिश्रम करके और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप को कम आंकने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जहां आपने अपने आप को कम आंका, दिक्कत वहीं शुरू होती है। आप सफलता से जरा सा दूर हैं और आप अपने आप को सही आकलन करके, अपनी मजबूती को समझ के उसे पार कीजिए। याद रखिए, इम्पॉसिबल इज नथिंग, इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम।